नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दरअसल दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके वीडियो लेक्चर में हम लोग जिक्र करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत से प्रकार की होती हैं, बट इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक ही दो अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। एक एक स्टेप करके वीडियो में हम लोग बनाते जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या, कितने प्रकार की होती हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग सीखते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन। तो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं क्या, तो यहाँ पर कहता है वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। दो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दोस्तों एक न हो दो भी हो, दो से अधिक भी हो, ठीक, तो भी अगर ये आपस में संयोग करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। इन्हें हम लोग इनके अतिरिक्त संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे सल्फर को अगर वायु में जला दिया जाए, वायु के साथ क्रिया करा दिया जाए, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। यह सल्फर है या ऑक्सीजन है, यहाँ बीच में प्लस लगता है, दोनों आपस में योग करके यह सोटू बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनका विघटन नहीं हो रहा है, ये टूट नहीं रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ टूट कर अलग हो जाए, बल्कि सल्फर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो जुड़ कर यहाँ पर क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका सेकेंड एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये बात सही है। दोस्तों ये अनबुझा चूना है, इसे हम लोग बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ये वाटर से क्रिया करता है, यानी जल से क्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसे हम लोग बिना बुझा चूना भी, सॉरी ये बिना बुझा चूना है, ये बुझा चूना। दोस्तों अगर बिना बुझा चूना हो, आप उसे जल में डाल देंगे तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा, और इसे हम लोग कले चूना या खाने वाला चूना भी कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए योगात्मक अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसे आपस में योग करके एक ही यौगिक बना रहे हैं,